ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स पीके की जानिब से तमाम अहले वतन को, तमाम बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जहां आज के रोज़ हम एक दूसरे को सबको ईद मुबारक कह रहे हैं, वहां पे आज के दिन हमें इस बात को भी पेश नज़र रखना है उन अपने कुर्ब जवार में बसने वाले लोगों को के जो हमारी मदद के मुस्तहिक हैं, जो हमारी ईद के मुस्तहिक हैं। तो उन मुस्तहिक अफराद तक ईद लेके जाना और उन मुस्तहिक अफराद को भी अपनी खुशियों में शामिल करना, अदरवाइज़ ईद की मुबारकबाद देते हुए ये कैसी मुबारकबाद है अगर उसमें उन लोगों को शामिल ना किया जाए जो गुरबत की लकीर से नीचे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो लिहाजा और कुर्बानी का भी यही फ़िक्र फ़लसफ़ा है। कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि आप जानवर को ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त तकसीम करते हैं, ये एक सिंबॉलिक है और सिर्फ यही कुल नहीं है, ये एक अलामत है जानवर ज़िबा करने की और उसका गोश्त तकसीम करने की। और इस अलामत में जो पोशीदा फ़िक्र व फ़लसफ़ा है, अगर उस पर गौर करें तो ये बात सामने आती है कि कुर्बानी दरअसल अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम है। कुर्बानी दरअसल ज़िबा करने का नाम सिर्फ जानवर नहीं है, कुर्बानी ज़िबा करने का नाम अपने अंदर जो नफ़रत है उसको ज़िबा करने का नाम है, अपने अंदर जो कदूरत है उसको ज़िबा करने का नाम है, अपने अंदर जो गुस्सा है उसको ज़िबा करने का नाम है, अपने अंदर जो जेलसी है किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हुए और जेलसी फील करना, उसको ज़िबा करने का नाम है। दरअसल ज़िबा करने का नाम वो फ्रॉड है, चीटिंग है, जो हमारे समाज में इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़िबा करने का नाम कुर्बानी दरअसल वो जज्बा है जिसकी बिना के ऊपर हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो अगर हम अपने अंदर जो नफ़रत है उसको ज़िबा नहीं करते, अपने अंदर जो कदूरत है उसको ज़िबा नहीं करते, अपने अंदर जो जेलसी है उसको ज़िबा नहीं करते, अपने अंदर जो मनफी सोच है उसको ज़िबा नहीं करते, और अपने अंदर जो दूसरों के बारे में अच्छी राय ना होना है उसको ज़िबा नहीं करते, तो इसका मतलब है कि ये कुर्बानी का हकीकी फ़िक्र व फ़लसफ़ा जो है वो उससे हम दूर हैं। इसी तरह जहाँ पे इन तमाम जो बुराइयाँ हैं उनको ज़िबा करने का नाम कुर्बानी है, इसी तरह इसके साथ साथ कुर्बानी नाम है डेडिकेट करने का, ख़ुद को डेडिकेट करने का। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डेडिकेट किया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो उस डेडिकेशन से हमें क्या फ़िक्र फ़लसफ़ा मिलता है, वो है कि हम खुद को डेडिकेट करें मोहब्बत बांटने में, खुद को डेडिकेट करें खुशी बांटने में, खुद को डेडिकेट करें हम सुकून बांटने में, खुद को डेडिकेट करें हम दूसरों के दुख दर्द बांटने में, खुद को डेडिकेट करें हम दूसरों की मदद करने में। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करते, दूसरों के साथ इखलास से पेश नहीं आते, हाँ अगर हम दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुर्बानी का फ़िक्र व फ़लसफ़ा अभी समझ नहीं आया। तो कुर्बानी का हकीकी फ़िक्र व फ़लसफ़ा उसी सूरत
में समझ आ सकता है अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करें जिसकी रूह को तमन्ना है। तो कुर्बानी के हमें हकीकी फिक्र और फलसफा को समझते हुए हमें इस समाज को एक बेहतर समाज पैदा करना है और इस समाज में एक बेहतर रोशनी को पैदा करना है, ताकि हमारे इर्द गिर्द जो पाया जाने वाला अंधेरा है वो दूर हो सके और हम एक बावकार कौम बन सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हम सब पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अदा फरमाए। वस्सलाम।